तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। शाम का टाइम है और हम आ गए श्रृंगार गौरी मंदिर, जो राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे कोला, उनके पुत्र ने बनवाए थे ये। बाद में बनवीर ने इसको ढका दिया था और अभी ये खुला वापस खोल दिया है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। देखो यहाँ से कैसे हो रखा है ना, क्या यार ऐसे कैसे हो गया ये। लेकिन इसकी सुंदरता आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत भव्य मंदिर है। तोड़ फोड़ इसमें वादे मचा दी गई है अंकराताओं द्वारा, देख सकते कितना गजब का मंदिर था, लेकिन तोड़ फोड़ मचा दिया यहाँ पे, कुछ नहीं छोड़ा, अवशेष पड़े हैं। और एक बार आपको पता है अपने मतलब हिंदू धर्म में ना, एक बार तोड़ फोड़ मच गई तो फिर बाद में उसको उसकी भी कर नहीं सकते अपना ना, सेवा वगैरह पूजा पाठ नहीं कर सकते वहाँ पे, तो ऐसा कुछ हाल है। और अंदर बंद है गेट और अंदर कुछ है भी नहीं, बाहर से बता देता हूँ आपको। ऐसी ओ इतनी महीन की गई है ना ये, तो आप देख सकते हो ये डांस और संगीत के कुछ कृत्य बनाए गए हैं, है ना। वैसे इसमें मतलब जैन धर्म के मतलब कुछ बिठाया गया था, इसका क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा की गई थी, लेकिन बाद में इसको बनवीर द्वारा ढक दिया गया। और ऊपर बहुत ही शानदार मूर्तियां बनाई गई हैं, देख सकते हो आप इतनी गजब की है, खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। श्रृंगार गौरी मंदिर नाम है इसका और ये आपको मिल जाएगा। देखो हाथियों को पूरों को तोड़ दिया है, सब हाथियों को तोड़ दिया गया है। और मतलब आप कुंभ मेल के सामने ही ये है श्रृंगार गौरी, तोपखाना अगर आप आओगे ना तो उससे पहले ये श्रृंगार गौरी मंदिर आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत भव्य है, देखना तो बनता है, इतना भव्य और देखे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग टाइप की कलाकृतियां बनाई गई है सांसारिक जीवन के हिसाब से, नाच डांस गाना सब, संगीत सांस्कृतिक तरीकों से इसमें पूरी तरह बनाए गए। कितनी गजब की मूर्ति बनाई गई है ना, कानों में कुंडल वगैरह है, पत्थरों से कानों में कुंडल लगाना बहुत कठिन काम होता है, देख सकते हो। दिखाना मेरा काम है, आप पूरा देखो याद देखो, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं इसमें हाथी से हाथी के ऊपर मतलब बैठे हुए देखो आप, है ना। ये दूसरी साइड का मुख है, ये पीछे की साइड है। और भाई साहब बंदर आ गया, नो बंदर भाई साहब इधर मत आना प्लीज, मेरा वीडियो अधूरा रह जाएगा अगर बंदर बीच में आ गया तो। भाई बंदर साहब है, अगर फोन लेके भागे तो फोन कैमरा सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। देख लीजिए आप कितनी गजब की थी, लेकिन सब तोड़ दी गई है यार, टूटी है तोड़ी है पता नहीं, पता क्या नहीं। तीन तीन हेवी आक्रमण हुए इस पे, तीन बार आक्रांताओं ने इस पे कब्जा किया है, तो तोड़ी है साफ है, टूटी थोड़ी ना है, देख सकते हो मैं कितना इसके मतलब तीन तीन मुंह होने चाहिए शायद तक, एक आगे था और एक उस साइड, ये पीछे का भाग है, ये जो आप भाग देख रहे हैं ये पीछे का भाग है, और उस साइड में दिखा दूंगा ये बाहर निकलने के लिए, मतलब जो भी जल दूध है ना उसका कुछ होगा शायद बाहर निकलने का जगह। और यहाँ पे देखो ना यार आप इतनी गजब की कारीगरी की गई, ओ वाओ माय गॉड, ये देखो आप, ये देखो कितनी गजब की कारीगरी की गई ना। यहाँ पे डांस वगैरह के हैं, हाथियों को तोड़ दिया गया, हाथी तो बचे ही नहीं। फुल गजब की कारीगरी है, डांस नृत्य संगीत, वैसे यही सब मतलब मूर्तियां उकेरी गई हैं जो खूबसूरत बनाती है इसको। दो मुंह है भाई साहब इसके, श्रृंगार गौरी मंदिर के दो मुंह है, ये दूसरी साइड का, तीसरी साइड का है, दो मुंह है, एक उस साइड दिखा था मैंने पहले आपको, दूसरी साइड भी दिखा दिया था, और ये तीसरा भाग है।
मूर्तियां सेम साइज सेम सेम दिख रही होगी आपको, लेकिन ये है अलग। मैं चारों ओर को उससे घुमा के आपको दिखा रहा हूँ ना। और वहां पे एक भगवान की मूर्ति इतनी गजब की बनाई गई है ना, देखो भगवान महावीर का जैसे लग रहा है लुक। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी है ना डाउन है, अभी तैयार नहीं हुआ हूं मैं। ओह वाह कितनी खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे, इतनी महीन और बारीक बनाना कोई आसान काम थोड़ी था यार। अभी मार्बल से बना रहे हैं तो भी बरोबर से इतनी नहीं बन रही, इतनी महीन नहीं बन रही है। ये तो लाइम स्टोन है, ये तो हल्का मतलब बहुत कच्चा होता है, ये हल्की मार से टूट जाता है। इतना इसको बनाना इतना आसान काम नहीं था। ये देख रहे हो ना आप, ढोलक बजा रहे हैं यहाँ पे, कुछ नृत्य वगैरह हो रहे हैं। और पास ही एक मंदिर तो ये हो गया ठीक है, और दूसरा मंदिर है ये पास में ही है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ। बाकी इसको तोड़ दिया गया पूरी तरह से, इसमें कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना जरूरी है ना क्या है यहाँ पे। ये सब है बस, डिजाइनिंग उसी मंदिर में मिलेगी जो बहुत भव्य है। बाग बगीचे मेरे वगैरह बनाए गए हैं और श्रृंगार गौरी यहाँ पे बोर्ड भी लगा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले कल और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे को विदा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतना घूम घूम के मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्दी में मेरे को बुखार भी हो गया, फिर भी घूम के मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए और आपके लिए दोनों लिए। देखो झूठ नहीं बोलता हूँ, खुद के लिए भी कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए भी कर रहा हूँ ना, मानोगे इस बात को तो यार। ठीक है।